साथियों, आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेस तरीके और भाजपा के तरीकों की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कांग्रेस और भाजपा की कोई तुलना हो सकती है क्या? याद करिए, यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि हर एक आतंकी के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ऐसा कहती थी कि नहीं कहती थी? जबकि हमने यह साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के दो या तीन जिले को छोड़कर आतंकी अब अपनी मनमर्जी सेना और नागरिकों पर कोई हमला नहीं कर सकते। हमने आतंक के विरुद्ध अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी हमले रोजाना की बात हो गए थे। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं था। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय जो मुंबई में हुआ वो न तो पहला आतंकी हमला था और न ही आखिरी। साथियों, याद करिए, उन्होंने ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मेरे मीडिया को मित्रों को भी कभी पता रहे, याद रहे, अकेले 2008 में, मैं एक साल की घटना याद कराना चाहता हूं आज। 2008 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। उन्होंने मई में यहां राजस्थान में जयपुर में बम धमाके किए। बाद में उन्होंने जुलाई में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके किए। बेंगलुरु को दहलाने के अगले ही दिन उन्होंने अहमदाबाद में बम धमाके किए। फिर उन्होंने दिल्ली में सिर्फ सितंबर महीने में दो अलग अलग आतंकी हमले किए। इसके बाद अक्टूबर में पूर्वोत्तर के तीन बड़े शहर गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल सीरियल ब्लास्ट किए। इसके बाद ये सारा 2008 का हिसाब मैंने बताया। और इतना होने के बाद 2008 नवंबर में 26/11 को मुंबई में भयानक बड़ा हमला हुआ। होटल में रहे हुए लोगों को मार दिया। ताज पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। आप सोचिए, पूरा साल भर हमले होते रहे और 26/11 को इतनी बड़ी घटना हो गई। सोचिए उस समय स्थिति क्या थी और अब क्या है। आप बताइए, क्या अब क्या कारण है आतंकवादी अब हिम्मत नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है?
जरा पीछे वाले बताइए क्या कारण है। ये महिलाएं बताएं क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है। अरे मोदी कारण नहीं है, आपका जवाब गलत है, कारण आपका एक वोट है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने राजस्थान ने मोदी को 25 की 25 सटे दी। उसकी ताकत है कि मोदी मुकाबला करता है। आप मेरे साथ नहीं होते, राजस्थान की वीर भूमि न होती, राजस्थान की वीर माताओं के आशीर्वाद नहीं होते, तो भाई कांग्रेस में और मेरे में फर्क क्या होता। अब हमारी माता एवं बहनें निश्चिंत होकर शॉपिंग कर सकती हैं और बच्चे बिना किसी डर के खेल कूद कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहां जा सकते हैं।